नमस्ते, मेरा नाम रजत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। हमारी टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में गईं और आपको ग्राउंड से सीधी कवरेज दिखाई। इसके अलावा हमने वहां पर फेसबुक के साथ मिलकर वर्कशॉप करी है, जिसमें लोगों को बताया कि वो कैसे फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची थी पुणे। पुणे में हमारे साथी मुबारक ने एक वर्कशॉप की। वर्कशॉप अटेंड कर रहे निनाद को एक खबर पर शक था। वो वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं, जिसमें एक कटिंग दिखाई जा रही है अखबार की और उसमें लिखा है मराठी में कि अजीत पवार ने, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के नेता है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर सुप्रिया सुले को वोट नहीं किया तो वो गाँव का पानी बंद कर देंगे। तो ये वो अखबार की कटिंग है। ये हैं सुप्रिया सुले, जो बारामती से चुनाव लड़ती हैं और इनके ही कज़न हैं अजीत पवार, जिन्होंने ये धमकी दी थी, ऐसा जिन पर आरोप लग रहा है। मेरा नाम निनाद है। मैंने अभी लल्लन टॉप का फेक न्यूज़ पे एक वर्कशॉप है वो अटेंड किया है। फेक न्यूज़ के बारे में अवेयरनेस उनका एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और मैंने काफ़ी समय से कुछ फेक न्यूज़ देखी है मेरे मोबाइल पे। अभी मैंने एक फॉर एग्जांपल के लिए एक न्यूज़ आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे ये फेक न्यूज़ है। ये हमने इस खबर की पड़ताल की, हमने इस खबर की जानकारी जुटाई तो ये घटना हमें पता चली कि ये घटना बारामती के आसपास की है और यहाँ पर जो दावा किया गया था वो मराठी भाषा में है। इसका तर्जुमा मोटा मोटा यही कि सुप्रिया सुले को वोट दो नहीं तो गांव का पानी बंद कर देंगे। तो ये वो मराठी अखबार है जिसकी कटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। हमने इस खबर की पड़ताल की। सबसे पहले पड़ताल के लिए हमने गूगल सर्च किया तो हमें इससे जुड़ी कई खबरें मिली। मराठी अखबार है माझा, माझा पेपर का एक लिंक मिला। ये खबर है दरअसल 18 अप्रैल 2014 की, जो इस घटना में इस घटना की रिपोर्टिंग उस समय हुई थी। तो तब की रिपोर्टिंग का वायरल मैसेज अब शेयर किया जा रहा है और इस खबर का स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं। ये मराठी भाषा में वहां पर लिखा हुआ है और इसके बारे में ये भी कहा गया कि जब ये घटना शरद पवार के पास पहुंची तो वो इससे खासे नाराज हुए थे। तो इस पूरी घटना में जो लिखा गया है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। मराठी का हिंदी तर्जुमा हमने किया है, वो हम पढ़ा देते हैं। बारामती तहसील में कई गांव हैं जहां पानी की बहुत किल्लत है। इन्हीं में से एक गांव है मसालवाड़ी। 16 अप्रैल 2014 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस गांव में सुप्रिया सुले के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। सुप्रिया बारामती से सिटिंग एमपी थी और 2014 के आम चुनाव के लिए एनसीपी की अधिकृत प्रत्याशी। आरोप लगा कि मसालवाड़ी में प्रचार के दौरान अजीत ने कहा कि हम 2 महीने में आपके पानी की समस्या खत्म कर सकते हैं, वोट हमें ही दीजिएगा। सुप्रिया सुले को वोट नहीं पड़ा तो गाँव का पानी रोक लिया जाएगा। इस आरोप के बाद उनकी सफाई भी आई और ये बात जब शरद पवार के पास पहुंची थी तो वो काफ़ी नाराज हुए थे। लेकिन नेताओं का एक चरित्र होता है कि वो जो खबरें होती हैं उन्हें कह देती है कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इसके बारे में गलत बयानी की। कुछ ऐसा ही यहाँ पर अजीत पवार ने कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह कि शरद पवार नाराज जरूर हुए लेकिन इस पूरे विवाद में एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत के पक्ष में ही दिखी थी। अजीत जो है वो शरद पवार के भतीजे हैं और सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। इसे वहां के कई लोकल अखबारों ने, जैसे दिव्य मराठी है, उन्होंने भी इसे रिपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये वायरल मैसेज सच निकला, ये वाकई ऐसा हुआ था। लेकिन हाँ, ये 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था, ना कि 2019 में। तो कुछ लोग इस चीज़ का फायदा उठाकर इसे 2019 में भी प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अजीत पवार ने ऐसी धमकी दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धमकी 2014 में, या ये जो बात है ये 2014 में कही गई थी, ये बात 2019 की नहीं है। अगर आपको भी किसी ऐसी वायरल खबर पर शक हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल mail@gmail.com। मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे हैं तरुण। शुक्रिया।